मैं बीजेपी को बधाई देता हूँ, बीजेपी जीत गई। मैं उन सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित है। ये कहना है कांग्रेस के कद्दावर नेता डी के शिवकुमार का। दक्षिण भारत का एक बड़ा चेहरा तो कांग्रेस का एक बड़ा रणनीतिकार डी के शिवकुमार भारतीय राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। करीब 8.5 करोड़ रुपए के एक मामले में संदिग्ध शिवकुमार का आखिर कसूर क्या है, वो आपको समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में आयकर विभाग को एक अपार्टमेंट से रकम मिली। इस रकम से सीधे तौर पर तो शिवकुमार का कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनकी संदिग्धता ये थी कि वो उस अपार्टमेंट में रुके हुए थे। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवकुमार शुरू से ही कई एजेंसियों के निशाने पर रहे थे। हालांकि शिवकुमार उस वक्त सुर्खियों में आए जब गुजरात की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में अमित शाह और अहमद पटेल के बीच कांटे का मुकाबला था। इस चुनाव में गुजरात के कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में रखा गया था। इसमें अहम भूमिका डी के शिवकुमार की थी। प्रवर्तन निदेशालय डी के शिवकुमार से करीब 8.5 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले में पूछताछ कर रहा है। वैसे बीजेपी से करप्शन से जुड़ा मामला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस बदले की भावना से की गई कार्रवाई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उनके बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल रही है, तो वहीं कुमार स्वामी का कहना है कि बीजेपी ने आपातकाल की घोषणा तो नहीं की, लेकिन जो कुछ वो कर रही है वो आपातकाल से कम नहीं है। वैसे इन सबके बीच खुद शिव कुमार को भी उम्मीद है कि वो पाक साफ बाहर आ जाएंगे। शिव कुमार जैसे ट्वीट कर रहे हैं उसमें वो बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल शिव कुमार पर भी है, क्या जिस अपार्टमेंट में करीब 8.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए वहां उनकी मौजूदगी महज इत्तेफाक थी या वहां कोई बड़ी डील होनी थी जिसके सूत्रधार शिव कुमार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।